केवल एक सवाल का जवाब दे दे, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन कुरीतियों को लेकर के, जिन प्रथाओं को लेकर के जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो क्या ये मुद्दे समाजवादी पार्टी इस बात की गारंटी ले रही है क्या ये मुद्दे जातिगत जनगणना हो जाने के बाद खत्म हो जाएंगे? दिक्कत कहाँ पे है स्नेहा जी? दिक्कत यहाँ पे है कि जो मानसिक विकृति है उसको आप जातिगत जनगणना के आधार पर अपनी सत्ता की सीढ़ी का माध्यम बना रहे हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें सुधार होगा कि नहीं होगा, ये दिक्कत हमारे आपकी मानसिकता की है। जब तक हमारी आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम उस चीज को मानसिकता में अडॉप्ट करके हटाएंगे नहीं, तब तक इस तरीके की चीजों पे आप जातिगत जनगणना करा लीजिए चाहे कुछ भी करा लीजिए, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। वास्तविकता में हमें इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। और रही बात जहां तक इस बात की कि जब मुख्यमंत्री आवास को धुलवाने की बात, तो स्नेहा जी बहुत ईमानदारी से मैं कहूंगा, अगर भ्रष्टाचारियों के कदम जहां पड़ेंगे वहां धुलवाए जाएंगे, और जहां दंगाइयों के, दंगा कराने वालों के कदम पड़ेंगे वहां धुलवाए जाएंगे। इसमें जाति का कोई रोल नहीं है, इसे जातिगत जोड़ने की कृपा ना करें मेरे समाजवादी पार्टी के साथी। इसमें जाति का कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जब उन सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि देश के हर उस आदमी को गर्व होता है जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम जब अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है, ना यादव होता है, ना ठाकुर होता है, ना कोई होता है। तब हम बात करते हैं सनातन संस्कृति की। आप देखिए माननीय योगी जी ने उसी को आगे बढ़ाया है, और सनातन संस्कृति में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस सनातन संस्कृति का हिस्सा हूं। समाजवादी पार्टी के साथी को भी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से गर्व अवश्य होगा कि वो सनातन संस्कृति के हिस्सा हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों से वो कह पाए या ना कह पाए ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट कहता हूं कि हम सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं, और जिसमें जाति का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें सफाई कर्मी भी हमारे घर के हिस्सा होते हैं, हमारे हृदय के अंग होते हैं। और जिसमें जब केवट राम को सरयू पार कराते हैं तो वो राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो जाते हैं। जब सबरी के झूठे बेर भगवान राम खाते हैं, जब सबरी के झूठे बेर राम खाते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो जाते हैं। ये इस मानसिकता को लाना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे है स्नेहा जी? कि हमें उस मानसिकता को लाना होगा। जातिगत गणना से ज्यादा जरूरी है कि हमें हर हाल में ऐसी मानसिकता को हटाना होगा अपने समाज के बीच से। उसका हटना बहुत आवश्यक है। जब तक वो मानसिकता नहीं हटेगी तब तक आप कितनी भी जनगणनाएं करा लीजिए। हाँ, राजनीतिक दलों के लिए सत्ता का माध्यम हो सकता है, लेकिन सत्ता के माध्यम से किनारे हटना पड़ेगा। इसे बड़े दृष्टिकोण में, व्यापक दृष्टिकोण में देखना पड़ेगा। सत्ता 5 साल की होती है, धर्म और देश युगों युगों तक चलने वाली चीज है। शूद्र समझ करके, दलित समझ करके, बैकवर्ड समझ करके कालिदास मार्ग को, कालिदास आवाज को खुला गया, उनको शर्म नहीं आ रही थी। आज बता रहे हैं, आप बताइए ना सफाई कर्मी में, आप बताइए गंगा घाट पर, जब एक जाति के लोगों को केवल जाति के हिसाब से उनको कपड़े उठा के फेंकने का आनंद, कपड़े फेंकने का काम दिया जाता है, और जो है कर्मकांड कराने का काम केवल एक ही जाति के लोगों का जाति देख करके होता है। मैं पढ़ा लिखा अगर कागज तो मैं क्या कर्मकांड नहीं कर सकता? नहीं करने दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, शूद्र कहा जाता है। अरे सुन लीजिए, जब दलित का बेटा घड़े से पानी पी लेता है तो मारने का काम कौन करता है? कौन लोग करते हैं? वो कौन लोग हैं? अब आपने सवाल उठाया क्या? उनके गुना में उस बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया, मास्टर ने मारा, बच्चे की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के पास आज कुछ बचा हुआ है। देखिए, आप एक बात समझिए कि कभी अपने काम के बलबूते सत्ता की राजनीति नहीं की है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्या अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में अपने कामों के बल पे चुनाव में जाने का काम किया? नहीं किया। क्या 2022 में अखिलेश यादव ने अपने उस काम के बल पे चुनाव में जाने का प्रयास किया? नहीं किया। अखिलेश यादव केवल कोरी राजनीति करते हैं। इतना जी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अखिलेश यादव जी धर्म की राजनीति और जात की राजनीति में बहुत फोकस्ड राजनीति करते हैं। इसी का उदाहरण है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव का बिगुल फूका तो अखिलेश यादव जी को जिन्ना याद आ गए। अखिलेश यादव जी को अपना एक काम याद नहीं आया जो वो उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांग पाते। अलबत्ता उन्हें जिन्ना जरूर याद आए। आपको याद हो, ये वही समाजवादी पार्टी है कि जिनका MY फैक्टर पूरी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। तब जाति की याद नहीं आती अखिलेश यादव को जब MY फैक्टर की बात करते हैं अखिलेश यादव। मुझे लगता है अखिलेश यादव बुनियादी तौर पर अपने कर्जों की तरफ करने के बाद आधा
यादव चुनाव अखिलेश यादव ने लड़े और पूरी तरह से हारे, उसका अब प्रतिफल ये है कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से बहुत अपना मानसिक स्तर गिरा चुके हैं, अपना मानसिक स्तर खो चुके हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को यही नहीं पता कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए क्या जरूरी है। वो सत्ता के लालच में देश में बंटवारे की राजनीति करने पर उतारू है और मुझे लगता है देश की जनता और प्रदेश की जनता और अखिलेश यादव के इस बंटवारे की राजनीति को बहुत अच्छे से समझेगी। प्रवक्ता ने एक भी सवाल नहीं बताया, मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मेरी बड़ी उम्मीदें हैं कि सारे सवाल ध्यान से सुने। और सपा नेता को एक चीज और सलाह देना चाहूंगा कि मेरे काबिल दोस्त से मेरा निवेदन है कि माननीय अखिलेश जी अगर बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की राजनीति न करते चुनाव के समय तो आज मुख्यमंत्री होते। पहली बात। दूसरी बात, इस देश में किसने किसको रोका है कि जाके घाट पर कपड़े न धुले? इस देश में किसने किसको रोका है कि लाश में आग न लगाए? इस देश में किसने किसको रोका है कि जाके वेद मंत्र का उच्चारण न करे? इस देश में किसने किसको रोका है कि भागवत वेदी पे न बैठे? इस देश में किसने किसको रोका है कि मुख्यमंत्री न बने? बसपा की सरकार रही, समाजवादी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तीन तीन सरकारें मैंने देखी। चूंकि मेरी 36 साल की उम्र है, 20 साल से मैं राजनीति को देख रहा हूं। कुमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही और जो कि चमार बिरादरी से आती हैं, कहने मात्र से एक्ट लग जाता है। कितने अपनी बिरादरी लोगों का उत्थान किया, कितने SC/ST वर्ग के लोगों का उत्थान किया। समाजवादी की सरकार रही, कितने यादव बिरादरी का उत्थान किया। जिस राजधानी में बैठा हूं मैं डंके चोट पे कह सकता हूं यहां एक भी यादव बता दे जिसने बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा को गेन किया हो। इस राजधानी की मैं यादव की बात करता हूं, कौन से कास्ट रिजम की बात कर रहे हैं? क्या बसपा के पास मौका नहीं था? क्या समाजवादियों के पास मौका नहीं था? बताइए किस शंकराचार्य की मठ पे किस व्यक्ति को बैठने के लिए मना किया गया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ के मठाधीश्वर हैं वो उत्तराखंड से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं है। इस देश में कोई कहीं भी जाके किसी भी पद प्रतिष्ठा पे बैठ सकता है? मोदी जी कितनी बड़ी उच्च जात के हैं, वो ठाकुर और ब्राह्मण नहीं है, वो OBC बिरादरी से आते हैं और आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति जिस दिन SC बिरादरी का आदिवासी बिरादरी का बन गया था, लगातार दो बार महिला है। उस देश में अगर कोई कास्टिज्म की बात करे बहुत ही तुच्छ और छब्द बात। देखिए मैंने दुनियावी तौर पर दो तीन सवाल छोड़े थे, राजन जी शायद उन्हें या तो सुन नहीं पाए या वो जवाब देना नहीं चाहते थे। मैंने एक सवाल ये छोड़ा कि क्या समाजवादी पार्टी अपने यहाँ पे एक बार जातिगत जनगणना कराएगी? पार्टी के अंदर कराएगी या नहीं कराएगी, इसका जवाब राजन जी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे लगता है तब समाजवादी पार्टी को जातिगत जनगणना की याद नहीं आई जब इस उत्तर प्रदेश में 20-20 साल समाजवादी पार्टी ने शासन किया। तब जातिगत जनगणना की याद नहीं आई, जब सत्ता से दूर हो गए तब आपको जातिगत जनगणना की याद आई। और उसमें भी सबसे बड़ा विषय समझिए सिंह जी, तब जातिगत जनगणना की याद नहीं आई समाजवादी पार्टी को जब इस उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री को उसके शासन से नीचे गिरा करके और गेस्ट हाउस कांड में उस दलित बेटी की इज्जत बचाने वाले, उनकी सुरक्षा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, कोई और नेता नहीं था। समाजवादी पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे थे ये हम सब जानते हैं। इतना जी तभी ने याद नहीं आता जब आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, मुझे बता दें सर जी कि किसी भी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धुले हों, मुझे बताएं समाजवादी पार्टी के मेरे साथी, लेकिन नहीं बताएंगे समाजवादी पार्टी के मेरे साथी। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ दिक्कत क्या है? असल में इनकी राजनीति के दो ही आधार हैं, जातिवाद और परिवारवाद। मुझे बताए समाजवादी पार्टी के लोग आज लगभग जितना समय भारतीय जनता पार्टी में बने हो गया है, लगभग थोड़ा बहुत कम ज्यादा समाजवादी पार्टी को हो गया है। समाजवादी पार्टी मुझे बताए कि कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दलित रहे हैं, समाजवादी पार्टी बता दी मेरे को, नहीं बताएंगे। हमारे बंगारू लक्ष्मण से लेकर के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न विभिन्न जाति वर्गों के रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरीके के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ ऐसे सवाल उछालते हैं तो जनता इन्हीं पर उल्टा हंसती है और इन्हें जवाब देती है और करारा जवाब मिलता है आने वाले चुनाव में। इतना जी एक बात समझनी पड़ेगी, जब देश के हम सबसे आदरणीय सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान में वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया तो उन्होंने उस वोट की कीमत किसी के लिए कम ज्यादा नहीं की। मेरे एक वोट से ही मेरा भी एक वोट काउंट होगा और हमारे एक दलित भाई का भी एक वोट काउंट होगा, हमारे सुनील राजन का भी एक ही वोट काउंट होगा। समझना कि समानता वहां से आएगी, समानता जातिगत जनगणना से नहीं आएगी प्रियंका जी, समानता हमारी आपकी मानसिकता से आएगी। जी आप कह रहे हैं कि आरपी राजन जी जवाब नहीं दे रहे हो, आरपी राजन जी बिल्कुल जवाब देने के लिए पार्टी में जनगणना कराएंगे, क्या बताएंगे कितने दलित जी? फाइनल कमेंट
देखिए बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि जिन कुरीतियों और जिन व्यवस्थाओं की वजह से जातिगत जनगणना का सहारा लेकर के सत्ता की सीढ़ियों की राह तरास रही समाजवादी पार्टी, इस बात की गारंटी कोई भी देश में नहीं दे सकता कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी जातिगत जनगणना से। असल में वो मानसिकता की विग्रह का कारण है, उसमें मानसिकता का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले हमें उस मानसिकता को चोट करनी पड़ेगी। उसी का एक कारण था कि देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धुले। ये बिल्कुल स्पष्ट मैंडेट था, स्पष्ट मैसेज था भारतीय जनता पार्टी का देश में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सामंतवादी लोगों के लिए जो एक मानसिकता से ग्रस्त है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों। हमारी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर व्यक्ति एक नागरिक है और एक आम नागरिक की दृष्टि से हम देखते हैं। जी, एक रास्ता है।